दोस्तों नमस्कार, टेक वर्ल्ड राही चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आप अपने कंप्यूटर सिस्टम के अनवांटेड फाइल को कैसे डिलीट कर सकते हैं? हाँ, मैं सही कह रहा हूं कि आप अपने टेम्प फाइल को, प्रीफिक्स फाइल को और बाकी और सारी जो चीज़ के ऑप्टिमाइज फाइल को आप उसको कैसे डिलीट करते हो? क्या अब भी आप पुराने ज़माने की वो विंडो रन टेम्प ये सब यूज कर रहे हो? ठीक है, इस प्रकार से आप जो है फाइल को डिलीट कर रहे हो तो ये ज़माना पुराना हो गया। अभी क्या है कि विंडोज़ ने यहाँ पे अपडेट दे दिया है, पहले से ही विंडोज़ में ही आता है, विंडोज़ 10 में, विंडोज़ 8 में भी था, विंडोज़ 11 में भी है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो आपको ये कैसे करना है कि आपको ये सब करने से अच्छा है कि आप सिंपल जो है स्टोरेज सेटिंग में आ जाइए, स्टोरेज सेटिंग में आ जाइए। स्टोरेज सेटिंग में आपको इस प्रकार से आ जाएंगे और उसके बाद यहाँ पे देखो टेम्पररी फाइल लिखा हुआ है, आप जो है टेम्पररी फाइल पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद जितने भी सारी आपको जो है अनवांटेड फाइल है यहाँ पे दिखेंगी, आप इसको सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पे रिमूव फाइल पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही रिमूव फाइल पे क्लिक करेंगे देखो आपका ये रिमूव हो जाएगा और आपका कंप्यूटर क्लीन हो जाएगा। तो आप एक क्लिक में अपने कंप्यूटर को इस प्रकार से क्लीन कर सकते हैं जिसमें आपको किसी भी किसी और चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप जो है आसानी से इसको क्लीन कर सकते हैं। आपको जो है बार बार विंडो आर कमांड रन करने की जरूरत नहीं है। आप इस प्रकार से स्टोरेज सेटिंग के माध्यम से आप अपने कंप्यूटर सिस्टम को या फिर आप अपने कंप्यूटर के अनवांटेड फाइल को रिमूव कर सकते हैं एक ही क्लिक में। तो जानकारी यूजफुल लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।